पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का केस। इसमें जितने लोग भी हैं जिनसे मेरी बात हुई रात गए तक, कुछ लोगों के साथ मैं बैठा भी था, उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इवन जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका भी कहना है कि मामला जो है वो 5-6 के ऊपर रुका हुआ है। 6 एक तरफ हैं, 5 एक तरफ हैं, और 2 लोगों ने अभी तक ऐसा लगता है कि उनका कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो अभी तक भी क्लियर मेजॉरिटी किसी साइड पे नहीं है। बहुत मुमकिन है ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाए, मुमकिन है कि उनके हक में ये फ़ैसला ना आए। लेकिन अगर मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन जाती हैं तो काजी फ़ायज़ साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। वो ये कि इसके बाद अगर एक्सटेंशन वाला फ़ैसला होता है या कानून साजी होती है, आइन में तरमीम की जाती है 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद, तो फिर काजी फ़ायज़ साहब को इसका जवाब जो है लोग उनसे मांगते रहेंगे जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। ये 3 मामलात हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि इनको आप 4 मामलात भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई स्ट्रेटजी अभी अपनाई है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जो उन्होंने केसेस दायर किए हुए हैं जिनकी तारीख ही नहीं मिल रही और सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को सुन नहीं रही, उन केसेस के हवाले से जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं। और जब आप जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर करते हैं तो फिर चंद दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो केस सुनना होता है। और ये केस भी मुल्की नौइयत के केस हैं, कौमी नौइयत के और अवामी मफाद के मामलात हैं। तो इसमें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है, धांधली वाला मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है, जो बल्ले का निशान छिनने वाला मामला है उसकी एक नज़रसानी अपील है वो मामला भी उठाया है। तो इसमें 3 बड़े अहम केस हैं जिनको अभी मिलाकर सुना जाना चाहिए। एक तो मखसूस नशस्तों वाला केस, दूसरा जो 8 फरवरी को धांधली वाला केस, और तीसरा बल्ले के निशान वाला केस। इसमें अतर मनल्ला साहब ने कहा कि उस केस को भी इसी फुल कोर्ट के अंदर जो धांधली वाला है उसको भी लाना चाहिए क्योंकि मामला वहीं से ख़राब होता है। 3 ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मखसूस नशस्तों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रही है कि आया ये मखसूस नशस्तें हारने वाली जमातों यानी PDM की हुकूमत को देनी है या जीतने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है। टेक्निकल इशूज़ ज़रूर हैं लेकिन लोगों ने जिसको मैंडेट और वोट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो सीटें तो उसूलन उनको मिलनी चाहिए। ये हो गया मखसूस नशस्तों वाला। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, फॉर्म 45 वाले जीते हुए कुछ और लोग हैं, फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत किसी और की बन गई है, यानी बहुत सारे जाली फॉर्म 47 हैं जो जारी किए गए हैं। अब ये जो मामला है ये 8 फरवरी के इंतखाबात का, ये भी पटिशन दायर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये भी इसके साथ मिलाकर सुनी जानी चाहिए। और तीसरा जो बल्ले का निशान है, यहाँ से असल मसला शुरू होता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ना छीना जाता या जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, काजी फ़ायज़ ईसा उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला 2 दिन के अंदर अंदर सादर ना फरमाते तो ना मखसूस नशस्तों वाला मामला बनता और ना बाकी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी होती। देखें, 11 प्लेइंग फील्ड का भी एक मामला है, इंसानी हकूक का मामला है। अब पता चला है कि इलेक्शन के दिनों में भी और पिछले 1 साल में 4,770 लोग हैं पंजाब में जिनके 16 MPO के ऑर्डर जारी करके उनको नज़रबंद किया गया है। अब कितनी बड़ी ज्यादती है, एक जमात जो इलेक्शन में जा रही है उनकी इतनी बड़ी तादाद को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के ज़रिए से आप बाउंड कर दें, बंद कर दें, और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद लोगों की गिरफ्तार करके जेलों में डाल दी जाए और बेशुमार लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए जाए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको इंसानी हकूक के मामले को भी देखना पड़ेगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, जिस तरह तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह उनके घरों के ऊपर अटैक हुआ, उनको एक भी जलसा और जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, वो कहीं पर रैली नहीं कर सकते थे, किसी जगह पर बात नहीं कर सकते थे, तो ऐसे सिनेरियो में कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ सकती है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर सुना जाएगा तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने की तवक्को है। काजी साहब की अदालत ये इंसाफ देती है या नहीं, ये एक अलग बात है।
अब आ जाए इस मामले पर कि अवामी रद्दमल क्या आया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अराकीन कौमी असम्बली ने मुलाकात की। सिर्फ एक रुकन कौमी असम्बली उसमें से मिसिंग थे, लेकिन उनसे जब बात हुई तो उनका मौक़िफ भी बाकी सबके साथ है, वो किसी वजह से नहीं आ पाए। तो तमाम कौमी असम्बली के जो अराकीन खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं वो सारे अली अमीन गंडापुर से मिले और उन सब ने बड़ी सख्ती से ये पैगाम पहुंचाया कि हम हर किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं, हम अपने सूबे में किसी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन अब नहीं होने देंगे। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई तो अली अमीन गंडापुर को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये पैगाम दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs ने। इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की मुखालफत कर दी और महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इसकी मुखालफत कर दी, बलूचिस्तान से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसकी मुखालफत कर दी, जमात इस्लामी ने, ANP ने और फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी इसकी मुखालफत कर दी। तो हुकूमत को इतने बड़े पैमाने पर मुखालफत का सामना करना पड़ा कि जो हुकूमत पहले कुछ और कह रही थी अब कुछ और कह रही है। यानी पहले खबर आई कि शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया आज के दिन में, और काबीना इजलास में कौमी एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फ़ैसलों की तौसी का इम्कान है जबकि अमन अमान और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ऑपरेशन के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट था, पहले आप वो देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑपरेशन के हवाले से कहा था कि फ़ौज दहशतगर्दों की सफाई का ऑपरेशन कर देती है लेकिन इस इलाके की सिविलियन हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, ये वो बातें कर रहे थे। और उन्होंने तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौर में TTP के लोग आए, फिर ये इल्ज़ाम उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर भी लगाया और क्लियरली ये बातें करते रहे कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने इनके साथ मामला तय किया और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया था, ऐसे मंजरकशी की गई जैसे सब ठीक है, स्वात में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वैसे मैं आपको स्वात के बारे में बता दूं कि इस वक्त 90% स्वात फुल है। जिन लोगों ने ये खबरें दी उन्हें शर्म करनी चाहिए और उन्हें जो है वो गैरत खानी चाहिए कि आप लोगों के कारोबार पे लात मार रहे हैं। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि सयाहों को बार बार तंग किया जा रहा है, देखिए एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो हमारा माशरती अलमिया है और किसी किस्म की गुंजाइश ऐसे वाकये की नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरी पश्तून कम्यूनिटी को निशाना बनाएँ या एक सूबे के ऊपर एक कंपेन लॉन्च कर दें तो ये मुनासिब नहीं है। यानी अगर बार बार तो खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात नहीं हो रहे, ऐसा वाकया सियालकोट में भी हो चुका है, दो भाई थे उनके साथ एक बड़ा ब्रूटल किस्म का टॉर्चर हुआ था, फिर सियालकोट में एक गैर मुल्की श्रीलंकन ऑफिसर काम करते थे उनके साथ ये वाकया हुआ था, कुछ अर्सा पहले जो है वो पंजाब के एक शहर के अंदर जो है वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी के साथ वाकया पेश आया है और अब ये स्वात के अंदर एक वाकया पेश आया है। तो इस तरह के एक वाक़े को जवाब बना के आप पूरी कम्युनिटी को या उस पूरे सूबे में रहने वाले लोगों को या पूरी एक कौम को या एक ख़ास ज़बान बोलने वालों को आप टारगेट नहीं कर सकते, इससे नफ़रत फैलती है, इससे गुरेज करना चाहिए। तो इस वक्त 90% सवाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बालाखंड में और पूरे ज़िले के अंदर मुख्तलिफ शहर गाँव में मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं और सूरत हाल नॉर्मल है। 40 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए हैं जिनमें से बहुत सारों को पुलिस के हवाले रिमांड के लिए किया गया है और इस मामले को थारोली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि असल ज़िम्मेदारान कौन है, मामला कैसे हुआ था, इसके हकायक भी सामने आ रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, किसी किस्म की कोई ऐसे वाकये की गुंजाइश नहीं है और इस तरह के वाकयात को हमेशा रियासत को पूरी ताकत से रोकना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाना चाहिए। अब आ जाएँ ऑपरेशन के मामले पर, यह बैकफायर कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पंजाब असम्बली ने ऑपरेशन के हक में करारदाद जमा करवा दी गई। ये मैं अब आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने याद रखनी है। जल्दी कितनी होती है इनको, यानी जो जो चीज़ भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ती है ना, ये फटाफट पॉलिश और ब्रश पकड़ लेते हैं लोग। फैसलवाड़ा का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम ज़रूर होगा और डंके की चोट पर ना सिर्फ बजट पास होगा बल्कि निजीकारी भी होगी। ये रोज़ाना ऐसी बातें करते हैं, अभी इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जैसे ही इनको महसूस होता है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करने जा रही है ये पहले ही उस रस्ते पे दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं। तो
तो फैसल वाडा साहब की वफ़ादारी भी बेमिसाल है, और यानी बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की ये हरकत करते हैं। एक दिन बूट लेके आ गए थे, ला के इन्होंने एक प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रख दिया था। बड़ा मायूब है, बड़ी मायूब हरकत इन्होंने की थी। बहरहाल जो इल्ज़ाम इन्होंने उस वक्त दूसरों पर लगाया, वो इल्ज़ाम जो है वो इनके अपने ऊपर सादिक आता है आज के दिन में। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने कहा कि ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम ज़रूर होगा और हम सबको इस ऑपरेशन पर लबैक कहना होगा। अब ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। दूसरी खबर ये है कि पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई उस ऑपरेशन के लिए जिसका जिक्र किया गया और जिसके बारे में लोग कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दहशतगर्दी ऑपरेशन इन चीज़ों पर ज़ोर दिया, ख्वाजा साद रफीक ने भी इसकी हमायत कर दी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसकी हमायत कर दी। यानी सारों ने जब इसकी हमायत कर दी तो फिर स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ का। यानी जब इसके ऊपर एक तो सब ने हमायत कर दी, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने और वहाँ के लोगों ने इसके ऊपर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया। वहाँ की जो सियासी क़यादत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़बान होकर इसको रद्द किया, मिलिट्री ऑपरेशन के किसी ऑप्शन को। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आज़म जो हैं उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी हुआ और वो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर अपनी साइड चेंज की है और पॉलिसी शिफ्ट की है। वज़ीर आज़म ने कहा किसी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा, अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक करना है, यानी कोई नया ऑपरेशन शुरू होने नहीं जा रहा। उन्होंने कहा किसी बड़े पैमाने पर किसी फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की कोई नकल मकानी की ज़रूरत होगी। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। और अब जो है वो थोड़ा सा उन्होंने इसमें मज़ीद एक लचक पैदा की है। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर ये गुंजाइश होनी चाहिए कि आप बातचीत करें ऐसी चीज़ों पर जो होने जा रही हैं। तो मेरे ख़्याल में एक शेर आपको याद होगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, कि पलटना झपटना झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी देखता हूँ कि इस वक्त शायद पाकिस्तान की हुकूमत को और हुकूमत के सपोर्टर्स को इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा सा मोटिवेशन की, ज़रूरत है थोड़ी सी पब्लिक की सपोर्ट की, ज़रूरत है कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़ करने की जिससे अवाम के अंदर मकबूलियत वापस आए। तो एक ऑपरेशन का आइडिया मेरे ख्याल में यहाँ पे फ्लोट होता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ नए सॉन्ग्स आपको मार्केट में सुनने के लिए मिले आने वाले दिन में, कुछ मिली नगमे आपको सुनने के लिए मिले आने वाले दिन में। लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जो खैबर पख्तूनख्वा में MNAs हैं, उनमें से एक ने तो मुझे बड़ा क्लियरली कहा कि यार अब हम जो है ना वो अपने बच्चों का, अपनी ख़वातीन का और अपने जवानों का खून नहीं बहाने देंगे। वो ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम दहशतगर्दी का कला कमा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ंड्स हैं वो सूबाई हुकूमत के हवाले किए जाएं ताकि वो पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को स्ट्रेंथन करें और जहाँ जहाँ पर जो जो पुलिस मौजूद है वो उन इलाकों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। पुलिस ने पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और पुलिस के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है। फिर वो लोग ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, सिविलियंस का भी हो जाता है, कोलेट्रल डैमेज का भी, आपको पता है वो एक टर्मिनोलॉजी है कि कोलेट्रल डैमेज होता है, आम लोग मुतासर हो जाते हैं। तो उनको इस बात का खौफ है क्योंकि पहले बहुत सारे ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, तो इसलिए उनको, क्योंकि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो लिहाजा उनका ये रद्दअमल बड़ा फितरी है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। और ये सबको समझने की ज़रूरत है, अगर कोई ऑपरेशन पाकिस्तान में करना है तो पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस होना चाहिए। यानी इमरान खान साहब को और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर ये फ़ैसला करना पड़ेगा कंसेंट के साथ सबकी, कि जनाब अब एक ऑपरेशन करना है, उसकी कितनी ज़रूरत है, वो कितनी मुद्दत में होगा, उसके टारगेट्स क्या होंगे, मकासद क्या होंगे और किन किन चीज़ों पर करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।